शर्ट अगर मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम तीन बंदों से लाइट पकड़वा के फिर नोट चेक करोगे असली है या नकली है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय सफारी। और यार अभी ज़्यादा फालतू बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ये देख लें तकरीबन 1:30 बज रहा है अभी। और सीन कुछ ऐसा है कि मंडी चल रहे हैं, अभी जुम्मे की रात है, यानी कि हफ्ता शुरू होने वाला है सुबह। अब सीन को जैसे कि एक बकरा मिल जाए या दुम्बा मिल जाए, जो मिल जाए अच्छी रेंज के अंदर, ले आ रही चलते हैं बकरा पीढ़ी। बस यार डकैती का डर लग रहा है, कुछ इस तरह का सीन हो गया ना, अगर अल्लाह बचाए इस चीज़ से सीन कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि दोस्त को आधे घंटे पहले कॉल की थी, बोले 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, और आपको पता है कि 5 मिनट क्या होते हैं। अभी तकरीबन 12:05 या 12:10 पे कॉल की थी, और अभी 1:30 बजने वाला है, और वो ना रिंगिंग से कॉलिंग पे आ गया है। हो सकता है घर से निकल गया और नेट बंद करके टोपियाँ दे रहा हूँ। अब देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी देख लें भाई 2:20 हो रहे हैं, और इसका क्या मैसेज आया अभी 2:20 पे वो मैं दिखाता हूँ आपको। पढ़ लिया यार, कसम खुदा बुल्ला अभी बिल्डिंग आया हूँ। तो उस वक्त 5 मिनट क्यों बोला था भाई तूने, शर्ट लगवा रहा था क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रोग्राम जो है वो तो हमारा टोटली बढ़ गया है। अब कल का कुछ सीन देखते हैं। बहरहाल यार गर्मी बहुत हो रही है कराची में, जो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी है ना यार। The next day. तो यार अब मंडी का सीन कुछ ऑन हुआ है, और अभी कल जो है इतवार की सुबह है। जो दोस्त के साथ मैंने बोला था आने का, वो तो भाई साहब टोपी दे रहे हैं, और आज भी मुझे टोपी ही देता वो। इससे अच्छा मैंने शहरयार भाई को पकड़ा, आप चलते हैं इंशाल्लाह, अगर सौदा बना तो हो जाएगा, वरना अल्लाह मालिक। बट बोल रहे हैं आप क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। रात का 1:30 बज रहा था जब हमारा सीन पड़ा था, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी रात का 1:30 ही बजा है तकरीबन। जाना तो बाईपास था, है ना, नॉर्दर्न बाईपास जाना था, बट वो भी ना टोपियों की वजह से बढ़ गया। अब जो करीब है, जहाँ जा सकते हैं वहीं चलते हैं, और देखते हैं कि आज की बंदे क्या कर रहे हैं। अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में बहुत कुछ हो रहा है। वो फुल छपाटर है, ये देख लो भाई गलियां कैसी सुनसान हो चुकी, ना आदम की जात। विलोगर भाई, विलोगर पहचान लिए इस बच्चे ने हमारे। भी रास्ता पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन का। ये सारा माल वाल आना शुरू हो गया भाई, मंडी का त्रास नजर आना शुरू हो गया। ये भाई पूरा ऊपर पुल से सीन है ये। ये भाई सारे बकरे वाली लॉट वहाँ खड़ी हुई थी, अब इसके बाद ये सारे जानवरों का शुरू हुआ है। अभी आगे वो पूरी लगी हुई है लंबी, ये तो बहुत जानवर है यहाँ, छोटा छोटा माल खड़ा हुआ है सारा माशाल्लाह। बच्ची है ना बुला जी, सारी बछड़ियाँ ही हैं सारी। है भाई का बन रहा है ज्यादा लेने का, इसके दोस्त ही मांग रहे हो भाई। कट्टू से कट्टू माल, छोटे से छोटे माल के 1-1 लाख से ऊपर 1.5 लाख। शरियार भाई किसी पूरे लॉट का बने भाई, बोलो आप बोलो भाई कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाई ये क्या सीन हो गया।
बकरे के लिए आया हूँ, बोल रहा हूँ लेने, बकरा आया हूँ, भुसावा गायों के पोर्शन में। माशाल्लाह माशाल्लाह सारी खूबसूरत बच्चियाँ तो यहाँ खड़ी हुई हैं, लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर की हुई है, सजाया हुआ है ना, देखो यार। मामा कितने का लिए यार? ये मालूम नहीं वो अच्छा भाई। ओए माशाल्लाह भाई, खाली यही बैग चेक कर लें बस। बताओ आप फाइनल, बता मैं भी फाइनल बोल दूंगा तेरे। आप तो अपने भी बताओ कि 40 की देगा कितने में देगा? एक रुपये। ओके 1.5 में छोड़ेगा? कसम का खाओगे? कसम खाने का जीत नहीं है सर। इतना मुंह पे घुसा देता है मेरे, कंधा रिव्यू दे रहा है। वैसे अचानक से बताएगा, गौर से करो, रिमाइंड बटन। गाड़ियों के रेट ऐसे चढ़े हैं जैसे खाली गाय नहीं, अपने भी रेट मांग रहे हैं वो। अरे थोड़ी देर में वो हमारे साथ और भी मांग रहे हैं। दादा ये सैफुल मुलूक है, ये सैफुल मुलूक है नहीं, फिर क्या है ये? मेरे को पता ही नहीं है किसका है, क्या नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर भाई, तो जाने मंडी बिल्कुल एंड हो गई है बस। बेटा दो दे दो भाई, दो दे दो और बोलो। बहुत नाजायज है, दो में दो ले लो। एक पैसा अगर मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम तीन बंदों को लाइट पकड़वा के पहले नोट चेक करोगे असली है या नकली है? तो मेरा काम है ना, काम नहीं है, रकम की अहमियत है। हमारा भी माल है, हमारा भी माल है, नकली पैसे लूंगा तेरे से। बगैर किने अच्छी जेब में रख लेना, क्यों तो है तू बहुत सियाण है यार, सर मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। सही कह रहा हूँ, एक पैसठ की कोई औकात नहीं है, तो मैं दे दूँ तुम अच्छी जेब में रख लेना। तुम नकली नहीं देगा, तुम्हारे लिए तो एक पैसठ की औकात, नकली पैसे देने के चक्कर में हमारे को देखो अंदर समझ गए। नाला मंडी घूम के आइए, नाल मामा तो कौन सी मंडी है, रोज भी बोल रहे हैं। वहाँ भी चलते हैं इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर। कल तो नॉर्दर्न बाईपास का सीन है, वहाँ का अगर बनता है तो चलते हैं। चौदह दिन पे भी लगी है, फाटक पे लगी है, बड़े मैदान पे लगी है, सारे घूम के आते चलेंगे इंशाल्लाह। आज भी मेरे ख्यालों में सब दिखता है, मेरे गुफ्तार की तहरीर। भाई सौदा तो हुआ नहीं, अभी हमारे मोबाइल का सौदा हो जाएगा, इसलिए मैं घर जाके बात करता हूँ। 3:30 हो गए और 3:15 तक मैं घर पर पहुँच गया था। एक जानने वाले को बच्चियाँ लेनी थी, उसके चक्कर में हम लोग बकरे छोड़ के आगे चले गए थे, बड़े जानवर देख रहे थे। उसका भी सौदा इस वैसे नहीं बना, क्योंकि भाई रेट जो है ना वो लोग पागल हो गए, उनके दिमाग में भूसा भरी है, वो समझ रहे हैं हर कोई मेहमान पार्टी आएगी और जितने हम बोलेंगे उतने में लेके भी चली जाएगी। अभी जायज़ मांगेगा तो जायज़ मांगोगे तो लेके जाएंगे ना। और बकरों का यार ये सीन है, जिसको लहरी बकरा पीढ़ी का पता है कि वो ना एक लिमिटेड टाइम तक होती है, यानी कि रात में अक्सर नहीं लगी हुई होती, व्यापारी जो है माल अंदर करके रात को चले जाते हैं। और बकरों और धुंधों के जो है ज़्यादा सौदे वो मतलब दिन में होते हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह, कल नॉर्दर्न बाईपास का सीन है और गाय भी ले सकते हैं, गाय मतलब मेरी नहीं होगी, जिसको लेनी है वो गाय भी ले सकते हैं, गाय का भी सौदा बन सकता है और बकरे का भी बन सकता है। दुआ करना ठीक है कि बन जाए। बाकी यार बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। कैसे नहीं आया होगा, इतनी खतरनाक अनलोडिंग दिखा दी तुम्हें मैंने, सौदे वगैरह सब कुछ दिखा दिया। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी होता है, बेल आइकन वगैरह सब करके चले जाओ यार, ठीक है? तो कमेंट में बता देना, कमेंट में डन लिख देना, तुम्हारे कमेंट पर मैं पर्सनली आके जवाब दूँगा, ठीक है?